गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो हमारी एक्सरसाइज 80 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, आज हम 5 से करेंगे। 5 में इन्होंने कहा है कि 7400 रुपीज को एबीसी के बीच में 3:5:12 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो हम क्या मान लेते हैं, तीनों का शेयर मान लेते हैं 3x, 5x, 12x। अब देखो इतने ए को मिले, इतने बी को मिले, इतने सी को मिले, तो तीनों को मिला के कितने रुपये मिले, 7400 रुपीज। तो 3x + 5x + 12x = 7400, 20x = 7400, 20 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा 7400/20। 0 से 0 कैंसिल, 3 + 6, 1 बचा, 2 7 = 14, 0 का 0, 370। x की वैल्यू आ गई हमारी, तो a का शेयर 3 × 370 1110। बी की वैल्यू क्या थी हमारी, 5x, तो 5 × 370 1850। सी की वैल्यू क्या थी, 12x, तो 12 × 370 4440 रुपीज, ये सी का शेयर आ गया। देखो 6 वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इसमें हमें तीन बच्चों के बीच में 104 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसके रेशियो में, 1:2, 1:3, 1:4। हमने तीनों का शेयर मान लिया, x/2, x/3, x/4। तो अब देखो आप इन तीनों को भी ऐड करके क्या होना चाहिए, 104। x/2 + x/3 + x/4 = 104। एलसीएम लिया इनका 12 y, 2 6 12, तो 6x 3 4 12, देन 4x, और 4 3 12, देन 3x = 104। 6 + 4 + 3, 13x/12 = 104। x = 100, ये 12 डिवाइड में था इधर लिया, मल्टीप्लाई में हो गया, 13 मल्टीप्लाई में था इधर लिया, डिवाइड में हो गया, 13 × 104, 96 आ गई x की वैल्यू। तो x/2 की वैल्यू 96/2 = 48, x/3 96/3 = 32, 96/4 = 24 आ गई इसकी तीनों की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो है सेम ऐसे ही है, इसको होमवर्क में कर लेना।